आज हम करेंगे कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ड्यूटीज बनती हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो 1975 का दौर था, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने एक आदमी को बुलाया, उस आदमी का नाम था स्वर्ण सिंह, और स्वर्ण सिंह को बुला के बोली कि आइए थम्स अप पीजिए और दोनों कुछ तूफानी करेंगे। बोले कि क्या तूफानी करना है? बोले कि जी फंडामेंटल ड्यूटी बतानी है लोगों की, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। तो इसको रिकमेंड जो किया था, फंडामेंटल ड्यूटी, अगर मैं कहीं पर FD लिख रहा हूँ ना, तो उसका मीनिंग फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहे हैं सर, ना कि फिक्स डिपॉजिट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंडेशन बाय किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई? सरदार सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया और ऐड की गई कब? एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, 1976 एडिड बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, एक एक करके बोलो, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी और एडिड बाय दी 42nd अमेंडमेंट 1976 एंड एड दी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, और कौन से पार्ट में? पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, एंड आर्टिकल 51A फॉर दी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए पार्ट 4A है और आर्टिकल 51A है। एट प्रेजेंट टाइम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और एक फंडामेंटल जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी कब जोड़ी गई? 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडिड बाय 86 अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट 2002, 2002 में जोड़ी गई थी। एक राइट भी जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर, और एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को लठ मार के प्यार से, ठीक है, घसीट के जैसे भी करके स्कूल में छोड़कर आए, ये गार्डियंस की और पेरेंट्स की ड्यूटी है, जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में है उन बच्चों को, ठीक है, समझ लगी बात। 10, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन फंडामेंटल ड्यूटी, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी को फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी रिस्पेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो हमारा संविधान है और उसमें दिए गए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उसका रिस्पेक्ट करोगे। नेक्स्ट वन, टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करोगे किसकी? टू
रिस्पेक्ट दी नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि फहरा के उसके बाद जो है रोड पे फेंक दिया। उसके बाद नेशनल एंथम, जब भी आप कहीं नेशनल एंथम सुनोगे, अरे बोलना नहीं है, नेशनल एंथम तो क्या करना है, खड़े होना है, ऐसा नहीं है बैठे रहना है, ठीक है? उसके रिस्पेक्ट में खड़ा होना है, बट नॉट नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग के लिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू प्रिजर्व दी कल्चरल एंड हेरिटेज, कल्चर एंड हेरिटेज, यानी कि आप हमारा जो भी रिच हेरिटेज है, सभ्यता है, उसको प्रिजर्व करके रखोगे। फोर्थ नंबर, टू फॉलो दी, टू फॉलो दी आइडिया ऑफ दी सेक्रुलिज्म, आइडिया ऑफ दी सेक्रुलिज्म, यानी कि सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करोगे आप, सेक्रुलिज्म। फिफ्थ नंबर, टू सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि बस स्टैंड होगी, बसेस हो गए, रेलवे हो गए। ऐसा नहीं है कि केला खाया वहाँ फेंक दिया, बोले कि ये कौन सी हमारे बाप की है, ठीक है भाई, वो हमारे टैक्स से ही बनती है, ठीक है? बसेज में देखा है कि मूंगफली खा रहे होंगे, ठीक है, खाते खाते नीचे उसके छिलके जो है नीचे फेंकते जाएंगे, ठीक है? कहीं घूमने गए, वहां पे फेंक दिया कि चलो यहाँ कौन सा हमें देख रहा है, केले का छिलका फेंक दिया, तो चॉकलेट फेंक दिया उसका रैपर, ठीक है, केक फेंक दिया जहाँ केक काटने गए, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि हमारी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोटेक्ट दी सॉवरनिटी, संप्रभुता, यूनिटी यानी कि एकता ऑफ द नेशन, यानी कि देश की संप्रभुता, सॉवरनिटी मीनिंग नो एनी पर्सन नॉट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द इंडिया ऑफ द नेशन। और यूनिटी का मीनिंग एकता के लिए बल, ठीक है? अगर हमारे देश को कोई भी जरूरत पड़गी तो सभी हम एक होकर क्या करेंगे, उसके साथ लड़ेंगे। जैसे कि कोरोना में हमने हमारी गवर्नमेंट का साथ दिया था, ठीक है? जब थाली कहा तो थाली बजाई, जब ताली कहा तो ताली बजाई, ठीक है? तो वो क्या होता है, साथ देना, यानी कि एकता दिखाई। जब सरकार ने कहा कि घर में बैठो तो हम लोग घर में बैठ गए, उसके बाद जब बोला कि अब आप रुक नहीं रहे तो आपको लठ के साथ अंदर रोका जाएगा, तो लठ मारे गए तब रुके हम लोग, ठीक है? तो इसीलिए देश की यूनिटी के लिए आप क्या, वन इज दी सेवंथ वन, टू प्रोटेक्टेड दी नेचुरल रिसोर्सिस, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्टेड दी नेचुरल रिसोर्सिस, ठीक है? यानी कि आप जितने भी हमारे जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है? ओके नेक्स्ट वन इज दी हाँ जी बोलिए। एट नंबर, एट्थ नंबर, एट्थ नंबर, टू डिफेंड दी, टू डिफेंड दी कंट्री, कंट्री को आप डिफेंड करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, इवन एट दी
कॉस्ट ऑफ आर लाइफ, अगर हमारी जिंदगी की हमें कीमत अदा करनी पड़े तो वो भी हम करेंगे, अगर हमें जिंदगी देनी पड़े तब भी हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, टू अवॉइड, अवॉइड करना होगा किसको, टॉरी, भाई बाद में, ठीक है, टू अवॉइड दी डॉरी। डॉरी का मीनिंग होता है दहेज लेना, गैम्बलिंग, जुआ एंड अदर सोशल इवल्स, अदर जो भी सोशल इवल्स हैं उनको आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, उनको अवॉइड करोगे। नेक्स्ट वन इज दी 10th नंबर, नेक्स्ट वन 10th नंबर, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इज इन दी रिस्पेक्टिव स्पेयर्स। ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वन इज दी ड्यूटी ऑफ दी, ड्यूटी ऑफ दी ऑल पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स एंड गार्डियंस, संरक्षक, यानी कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं वो आपके गार्डियंस हैं, ठीक है, गार्डियंस, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन दी एज ग्रुप, यानी कि जो बच्चे कितने साल के हैं, 6 6 6 2, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, जो बच्चे 6 to 14 ईयर के हैं उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल छोड़ के आए प्यार से लठ मार के घसीट के जैसे भी, ठीक है, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, ठीक है, उनको धक्के से जो है गले से पकड़ के स्कूल वैन में फेंकाएं, फिर वो रोए जैसे मर्जी करे, ठीक है, उनको भेजना जरूर है, पढ़ाना जरूर है, ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको जोड़ा गया था, मैंने कल भी बताया था, इट इज एडिड बाय, कब जोड़ा गया था इसे, एडिड बाय दी 86 अमेंडमेंट, ठीक है, इसको 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था इन 2002 में, 2002 में जोड़ा गया था,